48 बटालियन एसएसबी के कमला बीओपी इंचार्ज इंस्पेक्टर लोकेश कुमार सहित अन्य जवान के विरुद्ध ग्रामीणों ने देवदा थाने में दिया आवेदन। वरुण कुमार ने देवदा थाने में दिए आवेदन में कहा कि रात्रि के करीब 9 बजे जयनगर बाजार से अकनोहा अपने घर जा रहा था। अकनोहा रेलवे गुमती के पास लोकेंद्र कुमार सिंह अपने दलबल सहित और गाली गलौज करने के साथ मारपीट अपने सहयोगी के साथ करने लगा तथा मुझे बेहोश कर दिया। वहीं बेहोशी के क्रम में सोने की चैन और मोबाइल ले लिया। ग्रामीणों के सहयोग से अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया। ग्रामीणों एवं मुखिया और वार्ड आयुक्त ने बतलाया कि लोकेंद्र कुमार द्वारा बेवजह मारपीट, गाली गलौज तथा महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता रहा। उन पर जयनगर अनुमंडल क्षेत्र के कई मामला इस तरह हो चुका है और ताजा मामला बेटा उन क्षेत्र का है। देवदा थानाध्यक्ष प्रीति कुमारी ने बतलाया कि एक आवेदन आया है और मामले का अनुसंधान शुरू कर दिया गया। वहीं 48 बटालियन एसएसबी के कमला बीओपी से संपर्क किया गया लेकिन समाचार प्रेषण तक उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। दरअसल जयनगर से सटा हुआ एक अकोहा गांव है। आए दिन सुनने में आता है कि स्वाभाविक है कि हम लोग बॉर्डर किनारे में रहने वाले लोगों की नेपाल के साथ बेटी बेटी का संबंध है, किसी भी समय आना जाना लगा रहता है। लेकिन आए दिन इधर कुछ दिन से सुन रहे हैं कि एसएसबी के जवानों के द्वारा वहां के समाज को भयप्रीत और अभद्र व्यवहार सहना पड़ रहा है। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, धीरे धीरे आक्रोश फूटता गया और आज स्थिति यही है कि बिहार पुलिस के जवान आप देख रहे हैं कि बिहार पुलिस के जवान पूरे शराब माफियाओं का शिकार बन रहा है। दूसरी तरफ यह बॉर्डर को रक्षा करने वाले एसएसबी के जवान वैसे अपराधी से पीड़ित भगत कर गैर कानूनी काम में सह दे रहा है और समाज में रहने वाले गरीब गुरबा भोले भाला के ऊपर में व्यवहार गलत कर रहा है। इसी के आक्रोश के कारण हम सभी समाज के आदमी जयनगर देवता थाना में आकर आवेदन देकर सरकार से न्याय मांगने का काम किया है। डेली एक न एक आदमी को मारता है, गाली देता है। रात वरुण कुमार जा रहा था 9 बजे के आसपास घर, उसको गुमती पे रोक लिया, रोक के गालियां दे के रोका। उसको पूछा तुम्हारा अपना पिताजी को फोन लगाओ, फोन नहीं लगा, उसका स्विच ऑफ था तो बोला स्विच ऑफ है सर, नहीं लग रहा। उसी पे उसको लात मुक्का पहना से तरम तुर पीटना शुरू कर दिया और पीट के लटका के इसको लेके जा रहा था। तब तक हल्ला हुआ, ग्रामीण दौड़ा तो छोड़ के भाग गया। फिर दोबारा कैंप से 25-30 जवान को बुला लिया, गांव में घूम घूम के घर घर गाली दिया, जो मिला सबको लपड़ धपड़ मारा। 3-4 5 आदमी को किसी को पहना, किसी को थप्पड़ मारा। थाना में उसके ऊपर हम लोग FIR करना है। परिषद प्रतिनिधि कमला बीओपी 40 बटालियन के जो जवान इंस्पेक्टर है लोकेंद्र कुमार सिंह, 48 बटालियन इंस्पेक्टर लोकेंद्र कुमार सिंह के द्वारा बगल में ही अकोनहा गांव में के ग्रामीणों को अभद्र, ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार करता है, मारपीट करता है। रात भी घटना हुआ है, एक लड़का को बहुत बुरी तरह से मारपीट किया है और इसी के खिलाफ हम लोग देवदा थाना आए हैं। माननीय थाना अध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूं कि इन पर FIR कर और ऊपर के पदाधिकारी से संपर्क कर इनको अविलंब तबादला ही नहीं।